नमस्कार दोस्तों, जैसे लास्ट पीपीटी में हमने न्यूमेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था, वो स्ट्रक्चर डिटेल में हम आगे वाली पीपीटी में देखेंगे। इस पीपीटी में हम न्यूमेटिक सिस्टम में जो एनर्जी सप्लाई होता है वो किस तरह होता है वो हम सीखने वाले हैं। जो न्यूमेटिक सिस्टम में हम एयर यूज करते हैं, उस एयर को हमें जनरेट करना है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका स्ट्रक्चर पहले हम जान लेते हैं। जैसे आप ये सिंबल में देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब वातावरण में जो एयर अवेलेबल है वो एयर कंप्रेसर में ली जाती है। कंप्रेसर एक मैकेनिक यूनिट होता है और कंप्रेसर को घुमाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई लगता है। तो कंप्रेसर को घुमाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई लगता है वो तो या फिर इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, या फिर डीजल या फिर पेट्रोल इंजन हो सकता है। उससे कंप्रेसर को घुमाया जाता है और कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से एयर सक करके आगे सिस्टम में सप्लाई करता है। कंप्रेसर के मोस्टली तीन टाइप्स होते हैं, एक तो वेन टाइप कंप्रेसर, स्क्रू टाइप कंप्रेसर और पिस्टन टाइप कंप्रेसर। कंप्रेसर में एयर खींचने के बाद उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और प्रेशराइज एयर जो है वो स्टोर की जाती है, और जिसमें वो एयर स्टोर की जाती है उसको बोलते हैं रिजर्वायर या फिर रिसीवर। रिसीवर में एयर स्टोर करने का काम होता है। एक बार स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के बाद एयर को ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इस ड्राइंग प्रोसेस में एयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ड्राइंग प्रोसेस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन मैटर, दूसरा होता है रेफ्रिजरेशन मैटर और तीसरा होता है एडसॉर्प्शन मैटर। ये तीन मैटर में ड्राइंग प्रोसेस होता है। उसके बाद एक बार एयर ड्राई हो गया, फिर उसको सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ट्यूब्स या फिर पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंट्रोल वॉल्व भी इस्तेमाल किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर हम उस एयर को आगे भेज सके या फिर उसको वहां पे रोक सके। एक बार डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ट्यूबिंग आती है आपके सर्किट की ओर, लेकिन सर्किट में सप्लाई होने से पहले वहां पे एक सर्विस यूनिट दिया जाता है। इस सर्विस यूनिट को FRL भी बोलते हैं। F स्टैंड्स फॉर फिल्टर, R स्टैंड्स फॉर रेगुलेटर, L स्टैंड फॉर लुब्रिकेटर। इस सर्विस यूनिट के बाद आपकी एयर रेडी हो जाती है सर्किट में यूज होने के लिए। अभी एयर जनरेशन में चार मेन स्टेप्स होते हैं। एक होता है कंप्रेशन, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है ड्राइंग और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार स्टेप हम डिटेल में आगे सीखेंगे। कंप्रेशन में क्या होता है, तो कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है और कंप्रेसर मोस्टली जो न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है या इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है स्क्रू कंप्रेसर या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जहां पे आपका न्यूमेटिक सर्किट में एयर का इस्तेमाल कम हो रहा हो वहां पे स्क्रू कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। ये साइज में छोटा और कॉम्पैक्ट कंप्रेसर रहता है। जहां पे आपको एयर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रहा है वहां पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा भी कुछ कंप्रेसर है, जैसे कि रोटरी पिस्टन कंप्रेसर, फ्लो कंप्रेसर, पिस्टन कंप्रेसर, डायफ्राम कंप्रेसर, रेडियल फ्लो कंप्रेसर, एक्सल फ्लो कंप्रेसर, स्लाइडिंग वेन रोटरी कंप्रेसर, टू एक्सल लूज ब्रोवर। ये भी कंप्रेसर कहीं कहीं यूज किया जाता है, लेकिन मुख्य दो जो कंप्रेसर है वो है स्क्रू कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर का वर्किंग हम आगे वाली स्लाइड में। इस वीडियो में हम दोनों कंप्रेसर का वर्किंग देखेंगे। यहाँ पे ये पिस्टन कंप्रेसर है और स्क्रू कंप्रेसर है। तो पिस्टन कंप्रेसर में ये पिस्टन होता है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट का जो शाफ्ट होता है उसको मोटर या फिर इंजन से कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे मोटर घूमती है वैसे क्रैंकशाफ्ट घूमेगा। क्रैंकशाफ्ट के वजह से कनेक्टिंग रॉड सिलेंडर में अप एंड डाउन होगा
और जैसे ही आपका कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन कनेक्ट किया गया है, पिस्टन बेस सिलेंडर में क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। उसी तरह सिलेंडर में दो वॉल्स रहते हैं, एक इनलेट वॉल एक आउटलेट वॉल। इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल दोनों NRV यानी कि नॉन रिटर्न वॉल लेते हैं, मतलब इनलेट से सिर्फ एयर अंदर आ सकता है और आउटलेट से सिर्फ एयर बाहर जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि अपना पिस्टन कंप्रेसर काम कैसे करता है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे पिस्टन टीडी से टू बीडी से आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, वैसे ही इनलेट वॉल ओपन हो रहा है, वहां से अंदर एयर खींच ली जाती है, और जैसे पिस्टन बीडी से टू टीडी से जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तब इनलेट वॉल बंद हो जाता है और आउटलेट वॉल ओपन हो जाता है, और जो एयर हमने चेंबर में कॉम्प्रेस की गई है वो कॉम्प्रेस एयर आउटलेट से बाहर भेजा जाता है। तो इस तरह ये पिस्टन कॉम्प्रेसर काम करता है। अभी हम स्क्रू कॉम्प्रेसर को देखते हैं। स्क्रू कॉम्प्रेसर में दो स्क्रू रहते हैं, एक ड्रिवन स्क्रू दूसरा ड्राइविंग स्क्रू। जो ड्रिवन स्क्रू रहता है वो आपका मोटर के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे मोटर घूमने लगती है ड्रिवन स्क्रू घूमता है, और ड्रिवन स्क्रू के स्प्लाइंस ड्राइविंग स्क्रू में मैच होने की वजह से ड्राइविंग स्क्रू भी घूमने लगता है। दोनों स्क्रू जब घूमते हैं तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम की वजह से इनलेट से एयर सक की जाती है और आउटलेट में भेज दी जाती है। लेकिन उसके वजह से स्क्रू घूमने की वजह से एयर का फ्लो बढ़ जाता है। कभी भी याद रखो दोस्तों, कंप्रेसर में इनलेट पोर्ट जो है वो हमेशा बड़ा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एयर सिलेंडर में आ सके, और आउटलेट पोर्ट हमेशा छोटा रहता है, जिसके वजह से आप जो एयर जा रही है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सके। इस तरह से आपका पिस्टन कंप्रेसर और स्क्रू कंप्रेसर काम करते हैं। ये पिस्टन कंप्रेसर ही है, लेकिन ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। इसमें दो पिस्टन है, दो कनेक्टिंग रॉड है, जो एक क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट की गए हैं। तो जैसे ये एक पिस्टन है, उसको कनेक्टिंग रॉड से ये क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट किया है। ये दूसरा पिस्टन है जिसको भी सेम क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट किया गया है, और इस क्रैंकशाफ्ट को मोटर या इंजिन से घुमाया जाता है। जैसे क्रैंकशाफ्ट घूमेगा वैसे पिस्टन सिलेंडर में अप एंड डाउन होंगे। लेकिन दोस्तों ये देखो, इसमें क्या फर्क है कि फर्स्ट सिलेंडर जो है वो डायमीटर में बड़ा है, सेकंड सिलेंडर जो है वो डायमीटर में छोटा है। यहाँ से एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आएगा, तो जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर होता है 1.1 bar। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, अगर प्रेशराइज एयर जो आ रहा है उसका प्रेशर 1.1 bar है, तो पिस्टन उस एयर को क्या करेगा, अंदर खींच लेगा ड्यू टू वैक्यूम, और जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा उस एयर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आउटलेट में एयर जा रही है उसका प्रेशर हो गया 4 bar। तो अभी जैसे ही यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर के साथ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से वो एयर एक्सपांड हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा एरिया कंज्यूम करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो बीच में दिया है ये होता है आपका एयर कूलर। तो एयर कूलर के वजह से जो एयर ट्रांसमिट हो रही है वो ठंडी हो जाएगी और कम से कम जगह यूज करेगी। अभी ये सेकेंड सिलेंडर के लिए इनपुट प्रेशर कितना हुआ, 4 bar। तो मतलब इसके अंदर इनपुट जाने वाली एयर का प्रेशर पहले से ही ज्यादा है। तो जब ये सेकेंड पिस्टन उसको कॉम्प्रेस करेगा तो आउटपुट में प्रेशर मोस्टली आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए एक डबल मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर इसको बोलते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में जहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा चाहिए, एयर प्रेशर का अमाउंट ज्यादा है, वहां पे मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर यूज किया जाता है। वैसे ही यह है एक्सल कॉम्प्रेसर, यह स्मॉल यूनिट में काम किया जाता है। एक्सल कॉम्प्रेसर यानी कि एक शाफ्ट रहता है और उसको विंग्स हुआ एक टरबाइन दिया जाता है। तो जैसे एक्सल घूमता है ड्राइविंग मेंबर के वजह से, वैसे ही यह टरबाइन घूमने लगती है और टरबाइन घूमने के वजह से एयर का फ्लो सक किया जाता है और बाहर आउटलेट में सप्लाई किया जाता है। कॉम्प्रेसर ने तो अभी एयर को कॉम्प्रेस कर लिया, लेकिन कॉम्प्रेस एयर को हम स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट को एयर रिजर्वायर या फिर एयर रिसीवर बोलते हैं। एयर रिसीवर में एयर को स्टोर करके रखा जाता है। तो एयर रिसीवर में क्या क्या काम होता है वो हम देखेंगे। तो पहला तो है प्रोवाइडिंग कंस्टेंट एयर प्रेशर इन अ न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम में एयर प्रेशर की जरूरत कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है। तो जरूरत के हिसाब से आपका एयर प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई ड्रॉप नहीं आना चाहिए, इसलिए एयर को स्टोरेज करके रखा जाता है। दूसरा यूज है इमरजेंसी सप्लाई टू द सिस्टम इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए और आपका सप्लाई बढ़ जाए तो एयर रिसर्वायर में एयर का स्टोरेज होने के वजह से आप उस एयर को मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज कर सकते हो। उसके बाद है कूलिंग डाउन द एयर बाय द लार्ज सरफेस एरिया इन द रिसीवर। जैसे रिसीवर में का सरफेस बड़ा होता है, रिसीवर की साइज बड़ी होती है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर वहां होने के वजह से वहां पे उस एयर को ठंडा किया जाता है या ठंडा हो जाती है। सेपरेट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, जैसे ही एयर गर्म होने के वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर के वजह से वहां पे मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है। और मॉइस्चर मतलब वेपर्स आ गए, पानी आ गया, और पानी का वेट हैवी होने के वजह से वो रिसीवर के बॉटम पार्ट में आ जाती है, और बॉटम पार्ट में आने के वजह से हम उसको नीचे से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये एक रिसीवर का वीडियो है, वो हम देखेंगे। रिसीवर का साइज इतना रहता है और इससे बड़े बड़े रिसीवर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में जहां पे एयर को स्टोर किया जाता है। रिसीवर में कितना प्रेशर है वो प्रेशर गेज में दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया था कि रिसीवर के बॉटम में जो मॉइस्चर यूज होता है या फिर वाटर जो जम जाता है उसको हम ये नॉब ओपन करके निकाल देते हैं, और टाइम टाइम पे ये मॉइस्चर निकालना जरूरी है, नहीं तो ये मॉइस्चर क्या हो जाएगा, आपके एयर के साथ आपके सप्लाई सर्किट में सप्लाई किया जाएगा। इसके पहले हमने कंप्रेसर के इस्तेमाल से एयर को कंप्रेस कर दिया, रिजर्वायर के इस्तेमाल से हमने एयर को स्टोर कर दिया। अभी स्टोर की हुई एयर हमें सर्किट में सप्लाई करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके पहले एक यूनिट आता है जिसको बोलते हैं एयर सर्विस यूनिट, जिसमें एयर को सर्किट के लिए तैयार किया जाता है। तो इस एयर सर्विस यूनिट में क्या क्या चीजें आते हैं वो हम देखते हैं। पहले आता है एयर फिल्टर, दूसरा आता है प्रेशर रेगुलेटर, तीसरा आता है एयर लुब्रिकेटर, और चौथा आता है प्रेशर गेज। एयर फिल्टर क्या काम करता है, तो एयर को फिल्टर करता है। एयर रेगुलेटर से हम प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं। एयर लुब्रिकेटर क्या काम करता है, तो एयर में स्मॉल अमाउंट ऑफ
लुब्रिकेटिंग ऑयल को भेज देता है, प्रेशर गेज हमें प्रेशर शो करता है। इस कंप्लीट यूनिट को एयर सर्विस यूनिट भी बोलते हैं या फिर FRL यूनिट भी बोलते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फिल्टर, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेटर एंड एल स्टैंड्स फॉर लुब्रिकेटर। इस एयर सर्विस यूनिट में जो एयर फिल्टर यूज होता है उसका क्या काम है वो हम देखेंगे। पहला काम है प्रिवेंटिंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सिस्टम। जो डस्ट पार्टिकल है या फिर रस्ट पार्टिकल है उसको सर्किट में जाने से अवॉइड करने का काम एयर फिल्टर करता है। दूसरा क्या काम है, टू सेपरेट कंडेंसेंट आउट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। कंडेंसेंट यानी कि मॉइस्चर, जो नमी है आपके एयर में वो एब्जॉर्ब करने का काम एयर फिल्टर, ये इस तरीके से एयर फिल्टर रहता है और ये एयर फिल्टर का सिंबल दिया हुआ है। तो एयर फिल्टर में क्या क्या एलिमेंट है, जैसे इनलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट है, फिल्टर एलिमेंट है, बेबल्स है, वाटर ट्रैप है और ड्रेन प्लग है। तो इनलेट पोर्ट अंदर आएगा और एयर को पास होने के लिए बेबल से ही पास होना होगा और बेबल्स के बाद वहां पे क्या दिया जाता है, फिल्टर। तो फिल्टर एलिमेंट से ही एयर पास होके आउटलेट से बाहर निकल सकती है और जब फिल्टर एलिमेंट से पास हो रही है तो फिल्टर एलिमेंट में जो भी मॉइस्चर है या डस्ट पार्टिकल है वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और मॉइस्चर जो है वो वाटर फॉर्म में होके नीचे एट द बॉटम ऑफ द फिल्टर जमा हो जाता है। वहां पे एक ड्रेन प्लग दिया रहता है, तो ड्रेन प्लग को जब आप ओपन करते हो तो वहां से वाटर पार्टिकल्स या फिर वाटर बाहर निकल आती है। इस वीडियो में हम एयर फिल्टर कैसे दिखता है वो देखेंगे। एयर फिल्टर यूनिट है जिसमें रेगुलेटर भी दिया हुआ है। नीचे एयर फिल्टर का बाउल है जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है और बाउल निकलने के बाद आपको दिखेगा फिल्टर एलिमेंट। ये फिल्टर एलिमेंट रहता है मोस्टली पोरस मटेरियल टाइप या पेपर टाइप रहता है। इसके बाद आता है प्रेशर रेगुलेटर। तो प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम रहता है वो हम देखेंगे। पहला काम है प्रोवाइड अ कंस्टेंट सप्लाई प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फ्लक्चुएशन इन द मेन लाइन। मतलब मेन लाइन में प्रेशर फ्लक्चुएशन होने के बावजूद सर्किट को जो प्रेशर की जरूरत है वो प्रेशर कंटिन्यूअसली सप्लाई करने का काम ये प्रेशर रेगुलेटर करता है। जैसे प्रेशर रेगुलेटर दिखता है तो उसके ऊपर हम प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। इस स्लाइड में हम प्रेशर रेगुलेटर के कंपोनेंट और प्रेशर रेगुलेटर कैसे काम करता है वो देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि साइड में जो दिया है वो प्रेशर रेगुलेटर का सिंबल है। सर्किट डायग्राम में ऐसे ही सिंबल दिखाया जाता है। तो प्रेशर रेगुलेटर में इनलेट पोर्ट रहता है, आउटलेट पोर्ट रहता है, वॉल बॉडी है, स्प्रिंग है, वेंट है, एग्जिस्टिंग स्क्रू है। तो एग्जिस्टिंग स्क्रू में आपने जितना प्रेशर सेट किया है उतना प्रेशर आपका डायफ्राम बेयर कर सकता है। मतलब इनलेट से जो एयर आ रही है अगर सेट किया हुआ प्रेशर उतनी है तो उतनी एयर क्या होगी, आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर इनलेट से आने वाली एयर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे की ओर दब जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर वाला एयर क्या होगा, जो वेंट दिया है उस वेंट से बाहर निकल जाएगा। इसके वजह से आउटलेट में प्रेशर का चेंज नहीं होगा, आउटलेट में आपने सेट किया हुआ प्रेशर उतनी ही एयर जाएगी। जैसे हम आगे देखेंगे कि जैसे इनपुट एयर अगर 6 बार है और आउटपुट में आपने 4 बार सेट किया है तो कैसे ये प्रेशर रेगुलेटर काम करता है।
इस वीडियो में भी हम प्रेशर रेगुलेटर कैसे काम करता है और उसका अंदर का फंक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। जैसे इनपुट से एयर आ रही है तो आउटपुट से निकल जा रही है, लेकिन जैसे ही आउटपुट में प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर वाला जो एयर है वो वेंट से बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से प्रेशर रेगुलेटर प्रेशर को मेंटेन रखता है। एयर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है वो हम देखेंगे। जैसे एक्सट्रीमली रैपिड ऑसिलेशन मोशन, जहाँ पे एक्चुएटर का मोशन बहुत फास्ट है, तो एक्चुएटर के अंदर क्या रहता है, सिर रहता है, पिस्टन रहता है, तो फास्ट मोशन होने की वजह से वो सिर घस सकते हैं या ब्रिटल हो सकते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे लुब्रिकेटर दिया जाता है। तो एयर लुब्रिकेटर क्या करता है, एयर के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल लेके जाता है, जिसके वजह से आपके मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट जो रहता है वो नहीं होता, और उसके वजह से आपका पार्ट का वेयर नहीं होता और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। फॉर सिलेंडर विथ लार्जर डायमीटर, जहाँ पे सिलेंडर का डायमीटर ज़्यादा है वहाँ पे भी एयर लुब्रिकेटर का इस्तेमाल। एयर लुब्रिकेटर कैसे दिखता है और उसमें क्या काम होता है वो हम देखेंगे। तो ये जो है फिल्टर के बाजू में ये एयर लुब्रिकेटर है। एयर सर्विस यूनिट कंप्लीट यूनिट कैसे दिखता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कंप्लीट एयर सर्विस यूनिट है, जिसमें एक फिल्टर है, रेगुलेटर है, प्रेशर गेज है और लुब्रिकेटर है। एक कंप्लीट सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है सर्किट डायग्राम में, ठीक ऐसा ही सिंबल दिया जाएगा। ये सिंबल को शॉर्ट फॉर्म में नीचे वाले सिंबल की तरह बनाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम न्यूमेटिक सिस्टम में जो वॉल्स यूज होते हैं उसके बारे में सीखेंगे।